दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का 5 बड़े ही मजेदार सवाल जो आपके ज़िंदगी बनाने में मदद करेगी और हर बीमारी से लड़ने की अपने आप में क्षमता रखेगी। तो चलिए वीडियो को अभी हमारी इसी वक्त शुरू करते हैं अच्छा जानकारी हमेशा देने के लिए दोस्तों बेगर टाइम नष्ट किए हुए। सवाल नंबर 1, कौन सा नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है आयोडीन नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे लकवा और फालिस की बीमारी होती है तो तरह तरह की बीमारी शरीर में उत्पन्न हो जाती है, इसलिए आयोडीन नमक बहुत ही कम खाना चाहिए दोस्तों, यानी कि ना मात्रा में खाना चाहिए, नहीं तो हानि होती है। गर्मी में तो और नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 2, कुंडली की सब्ज़ी किसको ज़्यादा खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों, की अच्छा जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है अस्थमा वाले रोगियों को खाना चाहिए ज़्यादा कुंडली की सब्ज़ी क्योंकि कुंडली गर्म होता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो तो अपने आप ही गर्म होता है सब्ज़ी, और उसमें नमक भी कम थोड़ा डालना चाहिए और उस सब्ज़ी को खाने से अस्थमा की बीमारी नहीं होगी। सवाल नंबर 3, करेला खाने से क्या क्या फ़ायदा मिलती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है शुगर की बीमारी कभी नहीं होती है क्योंकि शुगर की बीमारी जब हो जाती है तो बहुत परेशानी होती है, इसीलिए करेला हम लोगों को खाना चाहिए बाज़ार से ला कर के, और सब्ज़ी खरीदते हैं उसी में हम वही खरीद के खाएंगे। सवाल नंबर 4, लौकी की सब्ज़ी खाने से क्या फ़ायदा मिलती है हम लोग को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है पेट ठंडा रहता है, गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होती है लौकी की सब्ज़ी खाने से। जो लोग लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं उनको तरह तरह की बीमारी शरीर में पेट में उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, इसीलिए ना खाएं, ज़्यादा खाएं। सवाल नंबर 5, फल ज़्यादा फायदा क्यों करने लगता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए कि फल ज़्यादा फायदा कैसे करता है। दोस्तों सही आंसर है उसमें नमक की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसीलिए ज़्यादा फायदा करता है फल, कोई भी फल है ज़्यादा फायदा इसीलिए करता है कि उसमें नमक की मात्रा बहुत कम होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।